हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं ऑल हिंदी मी हेल्प यूट्यूब चैनल। अगर आप ब्लॉग वेबसाइट बनाए हैं और पर डे आपको $20 से अधिक अर्निंग करना है तो कैसे करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यहां पे आप मेरा एडसेंस अकाउंट देख सकते हैं। पर डे $20 से अधिक अर्निंग होता है, कहाँ से ट्रैफिक आते हैं, कितने क्लिक आते हैं, कितने डेली का पेज व्यू है, और ये लास्ट पेमेंट आप देख सकते हो $324 मिला है। तो ये कैसे अर्निंग हो रहा है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहे हैं, क्या हम सोशल मीडिया से ट्रैफिक ला सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा मुझसे ये पूछा जाता है कि मैं अपनी वेबसाइट पे सोशल मीडिया से अगर ट्रैफिक लाऊं तो मेरा एडसेंस तो बंद तो नहीं होगा ना। तो मेरे पास, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारी वेबसाइटें हैं, अलग अलग एडसेंस अकाउंट है, और ये एडसेंस अकाउंट कितना दिन ओल्ड होना चाहिए सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाने के लिए, ये डिटेल में आपको बताएंगे। अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा फ्रेंड, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट बनवाना है या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। तो बात ये आती है फ्रेंड कि अगर आपको पर डे $20 से अधिक अर्निंग करना है तो कैसे करेंगे आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट से। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन ये था कि क्या हम सोशल मीडिया से ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट 3 मंथ 4 मंथ ओल्ड है और सोशल मीडिया से ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और अगर आपके गूगल एडसेंस अकाउंट यूज करते हैं तो भी कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, जो भी ऐप्स का रिव्यू करते हैं वो लोग अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, और इतना मतलब कि $400 $500 पर डे का अर्निंग करते हैं वो लोग। मैं जानता हूँ फ्रेंड उन लोग को, जैसे कि मैं बात करता हूँ फ्रेंड, जिनकी वेबसाइट बनाए हैं, मिलियन में ट्रैफिक आता है, मिलियन में उनके सब्सक्राइबर है, ट्रैफिक महीने का मिलियन में आता है, और काफ़ी अच्छा अर्निंग करते हैं वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करके ट्रैफिक। तो आप लोग सोचते हैं सोशल मीडिया से ट्रैफिक ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं, बंद नहीं होगा, लेकिन कैसे आपको वर्क करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपका बंद ना हो। तो देखिए, सबसे पहले आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक ला सकते हैं, लेकिन कैसे लाना है, सबसे पहले आपको ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद से आपको कीवर्ड सर्च करना है, कीवर्ड जो भी आप पोस्ट लिख रहे हैं कम से कम आपकी वेबसाइट पे 25% से ज़्यादा जो है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना चाहिए। मतलब कि जो भी आपका पोस्ट लिख रहे हैं 20 जो है कि पोस्ट लिखे हैं उसके बाद से आपकी वेबसाइट पे 25% से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। अब लाने का ये मतलब नहीं है कि मतलब कि आप 1 मिलियन ट्रैफिक लाओ और पर डे का $1000 बनाओ, आपको मैनेज करना होगा, आपको देखना होगा कितने क्लिक आते हैं, कितने पेज व्यू आ रहे हैं, ऑर्गेनिक कितने आ रहे हैं, ये सारा कुछ आपको देखना होगा, तो आपका एडसेंस अकाउंट सेफ रहेगा। तो सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाने के लिए सबसे पहले, अगर आप वेबसाइट बना लिए हैं ट्रैफिक नहीं आ रहा है, आपको एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना होगा, अपने ब्लॉग जो भी आपका हेल्थ से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, या फिर ऐप्स का रिव्यू करते हैं, तो आप चैनल बनाइए और अपनी जो भी आप रिव्यू करते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दीजिए, या फिर यहाँ पे पिंटरेस्ट में आइए, यहाँ से भी ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं, मैं खुद डाइवर्ट करता हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट कीजिए और यहाँ पे इमेज शेयर कीजिए और लिंक शेयर कीजिए, आप यहाँ से भी ट्रैफिक ला सकते हैं। उसके बाद से ये सबसे पॉपुलर है, आपको पता ही होगा क्यों, और यहाँ से भी ट्रैफिक ला सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है बैकलिंक्स और ट्रैफिक लाने का, स्टार्टिंग में यहाँ से ट्रैफिक लाइए और आपका बैकलिंक्स भी बनेगा, आपकी वेबसाइट की जो है कि जो रैंकिंग है वो इंक्रीज होगी। और उसके बाद से आपको फेसबुक पेज नहीं बनाना है, फेसबुक ग्रुप बनाना है अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, और या फिर अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी जो भी आपका नीच है उससे रिलेटेड, आप जैसे कि आप यहाँ पे साइंस एंड टेक है, हेल्थ है, जो भी आपका है, तो यहाँ से न्यूज़ से रिलेटेड है, तो आप ग्रुप सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए, आप अपनी वेबसाइट का URL शॉर्ट करके शेयर कीजिए, या फिर अगर आपके फैन फॉलोअर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आप स्टोरी में लगा सकते हैं लिंक, और वहाँ से भी ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आप डेली 10,000 8,000 जो है कि आपकी वेबसाइट जो है पेज व्यू आते हैं, तो $20 आसानी से अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आपके फ़ैन फॉलोअर नहीं बढ़ाएंगे, पेज नहीं क्रिएट करेंगे, यूट्यूब चैनल नहीं बनाएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है
क्योंकि अगर आपकी रैंकिंग मतलब कि आपको तो ज़्यादा ट्रैफिक मतलब कि ऑर्गेनिक नहीं चाहिए, तो सोशल मीडिया पे बढ़ाइए, उसके बाद से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका धीरे धीरे आएगा, आप काम करते रहिए और सोशल मीडिया से भी ट्रैफिक आएगा और आप अर्निंग कर सकते हो। पूरा 100% अगर आपका सोशल मीडिया से ट्रैफिक आएगा तो बंद होने का चांस है, इसलिए आपको डाइवर्ट कर रहे हैं ट्रैफिक को, तो कम से कम आपकी 25% जो है कि ट्रैफिक आपके गूगल सर्च से आने चाहिए, तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो लास्ट पेमेंट जो मुझे मिला था $324, आप $324 आप देख सकते हो, और जो इनवैलिड क्लिक हुए थे आप देख सकते हो, और ये $1 से थोड़ा सा अधिक है, 1.1 पॉइंट कुछ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद से आप जो एक कंटेंट एडसेंस फॉर कंटेंट है आप खुद ही देख सकते हो, मतलब वेबसाइट से जो है कि अर्निंग हुआ है, और जो लास्ट पेमेंट $117, उससे पहले कुछ और आया था $105, तो ये करीब 3-4 मंथ ओल्ड है और आप इसकी अर्निंग देख सकते हो। ये सोशल मीडिया से ट्रैफिक है, इनवैलिड क्लिक भी बिल्कुल कम आ रहे हैं, तो इससे आइडिया लगा सकते हो। और आपको कितने पेज व्यू चाहिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो अर्निंग हुआ है अभी $700 होने वाले हैं, तो करीब आप देख सकते हो अच्छा अर्निंग हो रहा है सोशल मीडिया से। और ये कितने पेज व्यू आए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, CPC क्या चल रहा है, CTR कितने हैं, क्योंकि काफ़ी यूजर जो है कि पूछते रहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको टुडे का परफॉर्मेंस जो है कि यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। टुडे का अभी आप देख सकते हो ये करीब 8,500 जो है कि यहाँ पे पेज व्यू हुए हैं, और 572 जो है कि क्लिक आए हैं, CPC आप देख सकते हो 0.04 का है, और यहाँ पे CTR आप देख सकते हो, पेज CTR इंप्रेशन कितने आए हैं, ये सारा आपको मैनेज करना होगा। आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक ला सकते हैं। ये एडसेंस अकाउंट जब हम बनाए थे तो 1 से 2 मंथ हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाएँ, उसके बाद से सोशल मीडिया पे इसको लगा दिए और ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, अर्निंग $20 से ज़्यादा होते हैं पर डे, आप एवरेज भी निकाल सकते हो यहाँ पर 10 मंथ का, तो ये बढ़ते ही जाएंगे जैसे ही हम वर्क करेंगे। तो जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको अर्निंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप सोचो कि पूरा 100% ट्रैफिक हम सोशल मीडिया से लाएंगे, रैंक कराएंगे वेबसाइट को, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ ट्रैफिक मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट से भी आते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, दूसरी वेबसाइट से डाइवर्ट करते हैं, तो ये काम कर सकते हो। अगर आपको पर डे $20 कमाने हैं तो पेज व्यू क्या आते हैं वो भी मैं आपको दिखा दिया हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको वेबसाइट बनवाना है तो इस ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।